हेलो भाई दोस्तों, मैं हूँ अनीस और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 5 FPS शूटर गेम जो कि ऑनलाइन है और गेम की साइज काफी सबकी कम है। टेंशन ना लीजिए, आप लोगों को सिर्फ 200 से 250 MB खर्च करने पड़ेंगे और आप लोग इन सारे गेम्स को डाउनलोड कर सकते हो और गेम एक से बढ़कर एक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं प्ले स्टोर पर सारे गेम्स को पहले खुद ट्राई करता हूँ, फिर आप लोगों को सेल करता हूँ और सारे एंड्रॉइड डिवाइस के लिए सपोर्टेबल है और सर्वर वर्वर का भी कोई चक्कर नहीं है। अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा इंटरनेट है तो आप लोग इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद मल्टीप्लेयर गेम है और आप लोग अपने दोस्तों वगैरह को ऐड करके ले सकते हो। अगर आप लोगों के साथ दोस्त नहीं है तो कोई नहीं, आप लोग सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हो। तो जो भी जिस तरह से भी आप लोग खेलना चाहो आप लोग खेल सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताता हूँ 5 ऐसे गेम जो कि आप लोगों को खेलने चाहिए या खेल सकते हो और गेम सारे एक से बढ़कर एक हैं। जब आप इन गेम्स को खेलोगे तो आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सारे गेम्स हैं। तो गाइस, अपने पास पहले नंबर का गेम निकल के आता है, उस गेम का नाम है मैड गन। मैड गन एक बैटल रॉयल सर्वाइवल गेम है। इसके अंदर आप लोगों को मैप तो बड़ा देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन 7 से 8 आप लोगों को मैप देखने के लिए मिलते हैं। उनके अंदर कस्टम रूम क्रिएट मतलब ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं और आप कोई भी कस्टम रूम चूज कर सकते हो वहाँ पर। अगर आप लोगों ने CS:GO के लिए तो सेम उसी तरह का एक पूरा गेम है। इसके अंदर 2 अपोनेंट होते हैं, मतलब 2 टीमें होती हैं और आमने सामने फाइट लेती हैं। और बेसिकली आप लोगों को थोड़ा सा कार्टूनिश टाइप गेम लग रहा होगा, लेकिन गाइस आप यकीन मानिए ये मोस्ट एडिक्टिव गेम है और प्ले स्टोर पर इसके मिलियंस ऑफ डाउनलोड है और गेम की साइज 250 MB की है। और आप अपने दोस्तों को ऐड करके खेल सकते हो। आप जो भी मतलब गन वगैरह है आप लोग इसके अंदर रिवॉर्ड जीत कर अपनी गन्स की स्किन वगैरह आप लोग ले सकते हो। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा खेल के दिखाता हूँ और आप लोग मतलब जो इसका फायर मैकेनिज्म है इतना ज़बरदस्त बनाया, आप लोग जब इस गेम को खेलोगे तो रियली आप लोग भी एडिक्ट हो जाओगे। देखिए सामने की तरफ एक अपोनेंट है, मैं इसको मारता हूँ, यहाँ पे इसको हेड बजा देता हूँ। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे आप लोग हेड बजा सकते हो, हेड शॉट मार सकते हो। एक और प्लेयर है तो मैं इसको भी यहाँ पे देखिए हेड शॉट मारता हूँ। ये देखिए मेरे को इसका जो हेड शॉट लगते हैं और जो इनकी हेल्थ कम होती है ना 20 24 20 तो काफ़ी अमेजिंग देखने के लिए लगता है। और सामने की तरफ काफ़ी सारे प्लेयर हैं तो मैं इन पूरी स्कोर को धो देता हूँ देखिए अभी। और गाइज आप लोग खेल सकते हो उस गेम को। अगर आप लोगों के पास काफ़ी बार क्या होता है कि जियो का इंटरनेट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी ये एकदम मस्त मक्खन चलता है, पिंग का कोई इशू नहीं है, सर्वर का कोई इशू नहीं है और आप लोग इस गेम का एंजॉय ले सकते हो। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्ले स्टोर में जितने भी अच्छे गेम होते हैं मैं एक एक पर्सनली चेक करता हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अगर आप लोगों को ये गेम डाउनलोड करके खेलने के बाद मज़ा ना आए तो वैसे तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो चैनल को कहाँ करते ही हो, लेकिन अगर आप लोगों को मज़ा ना आए तो यार अनसब्सक्राइब कर दियो, चैनल को डिसलाइक कर दियो, ठीक है। तो आप इस गेम को खेल सकते हो और एक बार इस गेम को ज़रूर ट्राई करें। तो गाइस चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट गेम की तरफ और नेक्स्ट गेम कौन सा मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस, अपने पास जो सेकंड गेम निकल के आता है इस गेम का नाम है बैटल फोर्स। बैटल फोर्स एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम है और ये भी आप लोगों को CS:GO सिमुलेटर गेम देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे गेम की साइज है वो है 228 MB की, प्ले स्टोर पर मिलियंस ऑफ डाउनलोड हैं इस गेम के भी और आप लोग इस गेम को चेकआउट कर सकते हो और खेल सकते हो। और काफ़ी सारे आप लोगों को इसके अंदर मैप देखने के लिए मिल जाते हैं। बेसिकली मैप तो बड़े नहीं होते, मैप छोटे छोटे हैं। 20 से 25 आप लोगों को इस गेम के अंदर मैप देखने के लिए मिलेंगे और आप कोई भी मैप चूज कर सकते हो और 24 आवर्स ये इसके सर्वर्स वगैरह चलते रहते हैं। और आप लोगों का इंटरनेट ख़त्म होने के बाद भी मतलब जो भी जियो का थोड़ा बहुत इंटरनेट आता है उसमें आप इस गेम का एंजॉय ले सकते हो। ये बेस्ट टाइम किलर गेम है और मैंने पर्सनली इस गेम को खेला है और वही मैं आप लोगों के साथ ये देखिए अपनी वीडियो की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग जब इस गेम को खेलोगे तो आप लोग इस गेम के भी एडिक्ट हो जाओगे, ये मेरा मानना है। और बाकी आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग एक बार इस गेम को ट्राई कर सकते हो और आप लोग कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं कि आप लोगों को किस टाइप के गेम खेलना पसंद है। तो आप लोगों को जिस टाइप के गेम खेलना पसंद होगी मैं उसी टाइप के आप लोगों के लिए प्ले स्टोर से गेम ढूंढूंगा, उनको चेक करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा। इस गेम की खास बात यह है कि सभी एंड्रॉयड डिवाइस के लिए सपोर्टेबल है। आप लोगों के पास 2 GB वाला कोई पुराना डिवाइस है उसके अंदर ये गेम चल जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत यही है कि थोड़ा सा गेम ऑनलाइन है, लेकिन जैसे गेम ऑनलाइन है मल्टीप्लेयर गेम है, आप अपने दोस्तों के साथ
इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और मतलब अगर दोस्त नहीं है तो आप सिंगल प्लेयर खेल सकते हो और इस गेम का मज़ा ले सकते हो। ऑनलाइन है और ऑनलाइन है पीसी के हिसाब से इसका थोड़ा सा मज़ा भी कुछ ज़्यादा आप लोगों को मिल सकने वाला है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप लोग लिंक चेकआउट कर सकते हो और इस गेम को खेल सकते हो। तो गाइस अपने पास यहाँ पे तीसरे नंबर पर जो गेम है वह है स्पेशल फोर्स 230 MB का। गाइस ये जो आप लोग अभी थोड़ा सा देख रहे हो ये इसका थोड़ा सा ट्रेनिंग का बारे में पता नहीं, जब आप गेम नया इंस्टॉल करते हैं तो आप लोगों को ट्रेनिंग यहाँ पे करवाते हैं। तो ये लीजिए गाइस, ये हमारी प्रोफाइल, मैंने इंडिया का फ्लैग कंधे पर लगा लिया। आप लोग यहाँ पर तीन मैप देख रहे हो, तीन में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो और इसके अंदर से आप लोगों को यहाँ पर 10 से 15 नए मैप देखने के लिए मिल जाते हैं। ये देखें यहाँ पर मैप हैं, आप कोई भी मैप चूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आइस टाउन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं आइस टाउन किस तरह का मैप वगैरह। यहाँ पे गन चूज़ करने के लिए कह रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे गन भी ले ली, ये आइस टाउन का मैप भी आ गया। और गाइस अगर आप लोगों का इंटरनेट ख़त्म हो जाए तो आप लोगों का जियो का जो भी थोड़ा मोड़ा इंटरनेट आता है उसके अंदर आप लोग इस गेम को खेल सकते हो और फुल टाइम पास गेम है। अगर आप लोगों ने वही बात है कि CS:GO खेली हो तो ये पूरी तरह से CS:GO का अल्टरनेटिव गेम है। तो सामने की तरफ यहाँ पे तो ये ही मेरे प्लेयर हैं, तो इसी तरह से चार प्लेयर इस साइड हैं, चार प्लेयर उस साइड हैं, दोनों साइड प्लेयर हैं और मेरे को कोई सामने से प्लेयर मार रहा है। तो ये देखिए मैं इसका हेड मारने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से आप लोग खेल सकते हो, आप लोग चक्कू कैरी कर सकते हो, वही सेम CS:GO वाली बात है कि आप लोग चक्कू चला सकते हो, गन चला सकते हो और आप जैसे जैसे गेम को जीतते जाओगे आप लोग जो भी आपको रिवॉर्ड वगैरह मिलते हैं उनसे आप लोग अपने वेपन्स को अपग्रेड कर सकते हो। सेकंड चीज़, आप इस गेम के अंदर वीडियो देख के भी रिवॉर्ड जीत सकते हो और उन रिवॉर्ड से अपनी गन्स वगैरह अपडेट कर सकते हो। गाइस ये भी एक फुल्ली टाइम किलर गेम है और आप लोग जब भी बोर फील हो तब आप लोग इस गेम खेल सकते हो। गेम की साइज़ भी काफ़ी छोटी सी है, 230 MB की, और आप लोगों को गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आएगा। लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और प्ले स्टोर पर इस गेम के भी मिलियंस ऑफ डाउनलोड है गाइस। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ और मैं आप लोगों को बताता हूँ अपने पास नेक्स्ट गेम कौन सा है। सो गाइस अपने पास जो चार नंबर पर यहाँ पर गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है WW2, मतलब वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 एक बेसिकली ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम है। इसके अंदर आप लोगों को जो पिछले गेमों में करने के लिए मिला वही सब इस गेम के अंदर भी करने के लिए मिलेगा, लेकिन मेरे को ये पर्सनली इतना कुछ खास पसंद नहीं आया और मैं इसको अपनी इस गेम सीरीज में इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हो सकता है कि पसंद आ जाए, मुझे तो पसंद नहीं आया। गाइस इस गेम के भी मिलियंस ऑफ डाउनलोड हैं प्ले स्टोर में और अगर ओवरऑल इसकी रेटिंग की बात करें तो 4.5 की रेटिंग है प्ले स्टोर के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी होती है किसी भी ऐप के लिए इतनी रेटिंग मिलना। तो बस यही चाहिए इस गेम के, और इसके गेम के मैकेनिज्म और ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं, हर एक एंड्रॉयड डिवाइस के लिए सपोर्टेबल है। 290 MB के आसपास इस गेम की साइज़ है और बस इतना ही है यार इस गेम के अंदर। और रियल यार मतलब मैं इसको पसंद इसलिए, मतलब इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी नहीं है, मीडियम टाइप गेम है, लेकिन आपको बोलते हैं ना मोस्ट एडिक्टिव गेम, तो ये इस गेम का मतलब आपको एडिक्ट नहीं होगी, इतना कोई खास गेम मेरे को नहीं लगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप लोग जब इस गेम को खेलो तो अपने ओपिनियन मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और मैं इसको गेमिंग लिस्ट में इसलिए इंक्लूड किया कि इसके प्ले स्टोर पर मिलियंस ऑफ डाउनलोड है, हो सकता है मुझे पसंद ना आया हो, आप लोगों को पसंद आ जाए। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने अगले गेम की तरफ। तो अपने पास जो अगला गेम है उस गेम का नाम है चिकन गन, ठीक है गाइस, और ये 300 MB का है। और गाइस इतने सारे गेम में मेरे को ये गेम सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो 300 MB का डाउनलोड इसका वसूल है, मल्टीप्लेयर गेम है, थोड़ा सा कार्टूनिश टाइप आप लोगों को ज़रूर दिख रहा होगा। तो आप लोग देख सकते हो कंट्रोल मैकेनिज्म कितने सारे, अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आप लोग इसके अंदर व्हीकल चला सकते हो, AWM चला सकते हो, जो भी एक बैटल रॉयल गेम में करना होता है वो सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन बस आपका जो कैरेक्टर होगा वो चिकन होगा, सामने भी अपोनेंट चिकन ही होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को व्हीकल्स भी चला के दिखाऊंगा और हर एक व्हीकल्स के आगे गन लगी रहती है, जैसा व्हीकल्स होगा वैसी गन होगी।
सपोज कीजिए आप यहाँ पे टैंक लेकर सामने घरों पे रश कर सकते हो, टैंक से पूरे घर को उड़ा सकते हो, प्लेन उड़ा सकते हो और प्लेन से अपने एनिमी पे बमबारी कर सकते हो। और काफ़ी अमेजिंग गेम है और आप लोग काफ़ी कुछ कर सकते हो, मोली फेंक सकते हो और आप लोग देख सकते हो, ग्रेनेड फेंक सकते हो और काफ़ी कुछ है। और अगर आप क्रेन उठा लेते हो तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पूरा घर के ऊपर को डिस्ट्रॉय कर देते हो। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ी सी मतलब व्हीकल्स क्या क्या हैं इस गेम के अंदर और जो आप चलाकर उन व्हीकल्स को अपने एनिमी पे रश कर सकते हो वो मैं व्हीकल्स आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले सो गाइस मुझे सामने की तरफ एक जेट फाइटर प्लेन दिख रहा है तो मैं चलिए जेट फाइटर प्लेन ले लेता हूँ और अपने एनिमी पे बमबारी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो वहाँ पे सामने एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, साइड में एक बाइक है और ये कैसे उड़ेगा भाई? ओ भाई इसको उड़ाना काफ़ी डिफिकल्ट है तो मैं कैसे मारूँ एनिमी को? तो आप इस तरह से उड़ा कर अपने एनिमी जहाँ भी छुपे हुए उनके घरों पर बम फेंक सकते हो। अगर आपके एनिमी सामने वाले अपोनेंट ने भी गाड़ी ले रखी है तो आप लोग उसको प्लेन से उड़ा सकते हो, लेकिन ये प्लेन उड़ाना काफ़ी डिफिकल्ट है। आप लोग टैंक ले सकते हो, कोई दूसरा कुछ ले सकते हो। भाई मेरे को मार गिराया, देखो इसने मेरे को मार दिया, मेरा प्लेन को भी मार गिराया और मेरे को भी मार दिया। कोई बात नहीं, अब हम इसको मार के गिराते हैं। देखिए ये रहा, इसने मेरे को मारा था, नहीं ये तो शायद स्मोक है। तो आप लोग देख सकते हो किस तरह का गेम है और ग्राफिक काफ़ी अच्छे हैं, कंट्रोल भी काफ़ी अच्छे हैं और मोस्ट एडिटिव और फनी गेम है। तो यहाँ पे एक भाई साहब है जिन्होंने मेरे को AWM से मारा था, हम पहले इसको मारने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो इसको लग क्यों नहीं रही साले को? हैकर तो नहीं है लेकिन ऑनलाइन गेम है, हैकर कहाँ से होगा, या हो भी सकता है ओबियसली। तो गाइस ये देखिए एक दूसरा एनिमी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लेन लेके जा रहा है, तो हम इसके प्लेन को डिस्ट्रॉयड करने की ट्राई करते हैं यहाँ पे। ओ ये तो मेरे पे रॉकेट लॉन्चिंग लाग रहा है भाई, नहीं मरूंगा तेरे से, इसको मारते हैं। तो गाइस इस तरह का पूरा गेम है और ओबियसली हमने उसको यहाँ पे ये देखिए मार गिराया, लेकिन वो मेरे प्लेयर को मार रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं भी उस पर बुलेट फायर कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप लोग एंजॉय ले सकते हो इस गेम का। और फिर मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।